तो हेलो बन, आगे की वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले ग्रीन स्क्रीन के बारे में। ये ग्रीन स्क्रीन होता क्या है, तो ये देख सकते हैं आप। ग्रीन स्क्रीन सिंपल, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको आगे बता दूंगा कि ग्रीन स्क्रीन होता क्या है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ग्रीन स्क्रीन, यानी कि ये कुछ ऐसा वीडियो को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसा वीडियो में, जैसा ग्रीन स्क्रीन हट गया है एंड ये काफ़ी अच्छा लगता है। आप वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, ये कोई भी चीज़ में काम कर सकता है, VFX एंड ऑल स्टफ। तो वीडियो में सबसे पहले आपको खोल लेता हूँ बिट क्लिपर एंड इसी के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में, क्योंकि यही ऐप मैं यूज़ करता हूँ। और आपको भी जानना है इसका ट्यूटोरियल एंड इसे डाउनलोड का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइल ऐड कर लेता हूँ जिसे मुझे एडिट करना है एंड इस वीडियो में मैं एडिट कर रहा हूँ जिसे, तो वो मैंने ऐड कर लिया है। एंड अब थोड़ा सा प्ले करके भी दिखा देता हूँ वीडियो को कि कौन कौन सा वीडियो मैं एडिट करने वाला हूँ। एंड मैं आप आगे आपको फ़ोटो भी एडिट करके दिखाऊंगा, जैसे कि कोई फ़ोटो है उसमें कोई भी कलर हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कलर ऐसा हो नहीं ज़रूरी पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दो टेम्पलेट दिखा दिया है और पहले मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला था, बट मुझे ये वीडियो थोड़ा लैगी था तो मैं इस वीडियो को मैं इसे ऐड किया हूँ एंड इसे जल्दी से मैं क्रॉप कर लेता हूँ ताकि जितना का ज़रूरत हो उतना ही यूज़ हो। तो मैं इसे हटा लिया एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वीडियो और ये वीडियो का डिफरेंस को कैसे क्रिएट किया जाता है, यानी आप बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन की जाती है। कुछ कुछ जगह पे होता है कि आपको ट्रांसपेरेंसी होना नहीं चाहिए, तो वो ये दोनों कलर से होता है, यानी HD करेक्शन एंड कलर करेक्शन से। तो आप इसे देख सकते हैं अपने ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो के हिसाब से आप इसे यूज़ करिएगा, क्योंकि हर वीडियो के हिसाब से ये सेम नहीं चलता। जैसे कि अभी देख सकते हैं ये ऐसा है एंड थोड़ा कलर करेक्शन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका एज और प्रॉपर है, तो ये आप देख लीजिएगा। एंड इसे अक्सर लोग कुछ मिडल पार्ट में लगाते हैं वीडियो के बॉटम में, या बोल सकते हैं कॉर्नर में आप प्लेस कर सकते हैं एंड ये वीडियो में अच्छा लगता है, जैसे अभी मैंने यूज़ किया। एंड अभी आप देख सकते हैं ये फ़ोटो है एंड इसे एडिट करते टाइम मुझे एक चीज़ फेस हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा। तो मैंने इसे बार वापस यूज़ किया कि मैंने सोचा कि शायद मेरा कंप्यूटर या ऐप क्रैश कर गया हो, तो मैंने वापस से किया कलर कीइंग वाले ऑप्शन में एंड वापस से मैं कलर की किया, तो एडिटिंग करते टाइम मैंने यूज़ किया तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखने लगा था, यानी स्काई का कलर और ये इसका कलर मैच कर रहा था, तो ये दोनों काम नहीं करता है, ऐप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया एंड ये वर्क नहीं किया। तो अब मैं इसके बारे में आपको बता दूँगा कि बाद में इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, कि अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ोटो हो तो आप क्या करें, तो वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ऐसा वीडियो एडिट करूँगा जिसमें आपको क्रॉपिंग की ज़रूरत पड़े, तो ये ऐप वो भी सपोर्ट करता है, यानी क्रॉप कर लो वीडियो को एंड उसके बाद आप इस पर कलर कीइंग वाला इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिटेन एक्सपेक्ट रेशियो को अनसेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसे जल्दी से क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रॉप कर लिया मैंने एंड ग्रीन स्क्रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सही काम कर रहा है। और अब क्योंकि ग्रीन स्क्रीन वाले मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, तो मैं जल्दी से ये दो वीडियो को ऐड किया है एंड इसे भी इस वाले में भी आपको क्रॉप करके दिखा देता हूँ। बट इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे कि ये वापस से ठीक से नहीं लिया, तो मैं वापस से इसका ब्लैक बॉर्डर हटाता हूँ एंड अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका ये जो जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया है, बीच वाले पार्ट में भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, वहाँ ग्रे कलर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे थोड़ा सा एडिट किया है, ये वर्क कर रहा था, तो आप देख सकते हैं कि ये और अच्छा लगने लगा है उसका ट्रांसपेरेंसी के कारण थोड़ा अलग लग रहा है। एंड ये वाले को आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं, इसे थोड़ा ब्रॉड साइज होने के कारण आप इसे इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें भी आप देख सकते हैं सब्सक्राइब वाला बटन और बेल हटा हुआ है थोड़ा सा, तो उसे भी आप ठीक कर सकते हैं सेम उसके तरह ही। एंड अगर बात करें PNG का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वो फ़ोटो जो काम नहीं कर रहा था आप उसमें PNG का यूज़ करें तो वो काम होगा, आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं एंड बहुत ईजी है। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके या लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।